हमारा थर्ड चैप्टर, चैप्टर 16, ग्रीन प्लांट्स, है ना। ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं? जो हरे भरे प्लांट्स, तो सभी हरे होते हैं, लेकिन और प्लांट्स हमें क्या करते हैं? इट गिव्स वेरी सेटिस्फेक्शन एंड पीस टू आवर आइज एंड माइंड। जब आप हरियाली देखते हो, है ना, प्लांट्स देखते हो, हरे हरे फ्लावर्स देखते हो, तो आपको कैसा लगता है? ये आपको आपके आइज को और आपके माइंड दोनों को क्या देते हैं? बहुत हैप्पीनेस देते हैं, अच्छा लगता है ना आपको देख करके हरा भरा सब तरफ। वॉट डू प्लांट्स नीड टू ग्रो? सर्किल योर आंसर। प्लांट्स को ग्रो करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? उसमें आपको यू विल सर्किल द राइट आंसर। हेयर आर फोर ऑप्शंस: टॉर्च, सन, स्टॉर्म एंड क्लाउड्स। क्लाउड्स से जो आपका क्या हो रहा है, रेन हो रही है। तो हमें क्या होता है, रेन तो हमेशा नहीं होती है, वैसे हमें प्लांट्स के लिए वाटर की भी आवश्यकता होती है, लेकिन रेन हमेशा नहीं होती। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है? सन। प्लांट को हमेशा काहे की ज़रूरत होती है? सन की। प्लांट्स आर अवर ग्रीन फ्रेंड्स। इफ़ वी लुक अराउंड वी सी मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स अराउंड अस। प्लांट्स कैसे हैं? दे आर अवर ग्रीन फ्रेंड्स। अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो हमें डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हमको दिखाई देते हैं, बहुत तरह के होते हैं ना। हर पेड़ जो होता है दूसरे से डिफरेंट होता है। सम प्लांट्स आर बिग, कुछ बड़े होते हैं। सम आर स्मॉल, सम आर बुशी। बुशी मीन्स झाड़ी वाले पेड़। कुछ कैसे होते हैं? बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जस्ट लाइक बनियन है, पीपल है। कुछ कैसे होते हैं? स्मॉल ट्रीज होते हैं, जैसे रोज़ है आपका, है ना। और कुछ कैसे होते हैं? बुशी होते हैं, जो झाड़ी वाले पेड़ होते हैं। सम आर थॉर्नी, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें थॉर्न्स होते हैं। थॉर्न्स मीन्स कांटे होते हैं, जैसे रोज़ के प्लांट में आपके थॉर्न्स होते हैं, कैक्टस में थॉर्न्स होते हैं, है ना। सम प्लांट्स आर वेरी स्मॉल, और कुछ पेड़ कैसे होते हैं? दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। प्लांट्स ग्रो ऑलमोस्ट एवरीवेयर, है ना। वी सी ऑलमोस्ट एवरीवेयर प्लांट्स। अधिकतर आप देखिए सड़क के किनारे भी आपको छोटे छोटे पेड़ निकले हुए मिल जाएंगे। दे गिव अस फ्रेश एयर। प्लांट्स क्या करते हैं? हमको फ्रेश एयर देते हैं। फ्रेंड्स, फ्रेश एयर कैसे देते हैं? क्यों? वो जो हमें क्या देते हैं, प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन, है ना। तो और हम क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और एक्सहेल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो हम खराब, जो हम एयर जो एक्सहेल करते हैं, निकालते हैं, वो क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। वो कौन ले लेते हैं? प्लांट्स ले लेते हैं। और प्लांट्स हमको कैसे देते हैं? फ्रेश एयर ऑक्सीजन के रूप में। क्लियर? इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सम प्लांट्स आर बिग इन साइज, दे आर ऑल्सो टॉल एंड स्ट्रॉन्ग। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, मोस्ट ट्रीज हैव ब्रांचेस। अधिकतर बहुत से प्लांट्स कैसे होते हैं? दे आर वेरी बिग इन साइज एंड दे आर वेरी टॉल एंड स्ट्रॉन्ग। बहुत लंबे भी होते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, वी कॉल देम ट्रीज। मोस्ट ट्रीज हैव ब्रांचेस, इसमें क्या होते हैं, अधिकतर ब्रांचेस होती है। देखिए, हेयर आर द पिक्चर्स ऑफ सम ट्रीज, कोकोनट ट्री, मैंगो ट्री एंड बनियन ट्री। दे आर द वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग। प्लांट्स कैसे होते हैं? ट्रीज से थोड़े छोटे होते हैं। दे हैव हार्ड स्टेम एंड देयर ब्रांचेस ग्रो नियर द ग्राउंड, दे आर कॉल्ड शब्स। और वो कैसे होते हैं, उनकी भी स्टेम कैसे होती है? द स्टेम इज़ वेरी हार्ड एंड ब्रांचेस ग्रो नियर द ग्राउंड, और उनकी ब्रांचेस जो होती है वो भी ग्राउंड के पास में होती है, मतलब ज़मीन के पास में निकल आती हैं। दे आर कॉल्ड श्रब्स, उनको हम क्या बोलते हैं, श्रब होते हैं। ये ट्री से छोटे होते हैं, लेकिन वैसे ये भी थोड़े बड़े होते हैं, जस्ट लाइक रोज़। रोज़ का प्लांट सबने देखा होगा, मैरी गोल्ड भी सबने देखा है, एंड कॉटन, दिस इज़ द कॉटन प्लांट। ठीक है, तो दीज प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स। सम प्लांट्स आर वेरी स्मॉल, सॉफ्ट एंड ग्रीन, दे आर कॉल्ड हर्ब्स, दे हैव सॉफ्ट स्टेम। अब देखिए, सबसे बड़े कौन से हो गए, बिग प्लांट्स हो गए, वो दे आर कॉल्ड ट्रीज। जो ट्रीज से थोड़े स्मॉल हुए उनको हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड श्रब्स। और श्रब से भी छोटे हो जो होते हैं उनको कैसे होते हैं, बहुत स्मॉल सॉफ्ट और ग्रीन प्लांट्स होते हैं, दे आर कॉल्ड हर्ब्स, उनको हम क्या बोलते हैं, हर्ब। दे हैव सॉफ्ट स्टेम जस्ट लाइक ग्रास, मिंट एंड कोरिएंडर। कोरिएंडर सबको पता है ना, धनिया, मिंट भी सबको पता है, पुदीना। ये कैसे होते हैं, इनकी स्टेम बहुत सॉफ्ट होती है, और ये कैसे होते हैं, ये श्रब से भी छोटे होते हैं, तो दे आर कॉल्ड हर्ब्स। क्लियर? सम प्लांट्स आर वेरी वीक, दे कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन, दे क्लाइंब ऑन अदर प्लांट्स फॉर सपोर्ट, दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। अब क्या होते हैं, देखो, सम प्लांट्स आर वेरी वीक, कुछ प्लांट्स कैसे होते हैं, बहुत वीक होते हैं, दे कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन। जैसे ये सारे पेड़ अपने बल पर, है ना, अपने स्ट्रेंथ पर खड़े रहते हैं, लेकिन ये प्लांट्स जो होते हैं वो अपने स्ट्रेंथ पर स्टैंड नहीं कर सकते, तो दे क्लाइंब ऑन अदर प्लांट्स फॉर सपोर्ट। उन्हें सपोर्ट के लिए किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत होती है। जैसे आपके घर में कोई बेल लगी होती है, आप उसमें क्या करते हो, ऊपर उसमें थ्रेड बांध देते हो, उसके सहारे वो जो है ना ऊपर चढ़ती चली जाती है, तो दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। ऐसे को हम क्या बोलते हैं, क्लाइंबर्स। मनी प्लांट तो सबने देखा है ना, आप लोगों के घरों में, अधिकतर लोगों के घरों में होगा भी। मनी प्लांट कैसे होते हैं, आप उसके ऊपर चढ़ाने के लिए कोई ना कोई उसको हेल्प देते हो, कोई ना कोई उसको
आप सपोर्ट देते तो उसके सपोर्ट से वो ऊपर चढ़ती चली जाती है। स्वीट पी मटर की प्लांट भी ऐसी होता है, एंड ग्रेप वाइन अंगूर उसकी भी। इन सब में क्या होता है, हमें दे नीड सपोर्ट टू क्लाइंब अप, ठीक है। तो दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, इनको हम क्या बोलते हैं, क्लाइंबर्स। सम प्लांट्स आर सो वीक एंड दे क्रीप अलोंग द ग्राउंड, दे आर कॉल्ड क्रीपर्स।